अस्सलामुअलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है कॉन्टेजियस बोवाइन प्लूरोनिमोनिया। ठीक है, कॉन्टेजियस बोवाइन प्लूरोनिमोनिया क्या होता है? इसे हम शॉर्टली जो होते हैं वो इसे एब्रिविएट करते हैं एज CBPP। ठीक है, CBPP यानी कॉन्टेजियस बोवाइन प्लूरोनिमोनिया। ठीक है, अब इसका कॉजिटिव एजेंट कौन सा है? माइकोप्लाज्मा माइकॉइड सब स्पीशी माइकॉइड जो होता है वो CBPP कॉज करता है। ठीक है, माइकोप्लाज्मा माइकॉइड सब स्पीशी माइकॉइड, और कहा जाता है कि इसकी स्मॉल टाइप जो कॉलोनी है वो CBPP कॉज करेगी। ठीक है, इसके अंदर इसकी जो पैथोजेनेसिस है वो पुअरली अंडरस्टूड है, लेकिन फिर भी इसके अंदर होता क्या है कि टॉक्सिन प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, फिर TNF अल्फा जो होता है वो अनरेगुलेटली प्रोड्यूस होता है। TNF अल्फा जो होता है वो मेजर रेगुलेटर होता है इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस का। ठीक है, तो TNF अल्फा जो होता है वो वहाँ पर अनरेगुलेटरी जो है वो प्रोड्यूस होता है। ठीक है, फिर इसके अलावा वहाँ पर सिलरी डिसफंक्शन होती है, यानी जो वहाँ पर सिलिया यानी हेयर लाइक स्ट्रक्चर सर्फेस प्रेजेंट होते हैं सेल्स की, वो उनका डिसफंक्शन हो जाता है फिर इम्यूनो सप्रेशन की वजह से। और फिर वहाँ पे इम्यून मीडिएटेड वेस्कुलाइटिस होता है। इम्यून मीडिएटेड वेस्कुलाइटिस होता है यानी किसी भी इम्यून डिसऑर्डर में यानी इम्यून डिजीज़ की वजह से जो होता है वहाँ पे जो मेजर ऑर्गन्स की यानी हार्ट की इसके अलावा जो होते हैं वो ब्रेन की या किडनीज की जो वेसल्स होती हैं वो उनकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है, और इसे हम क्या कहते हैं कि इम्यून मीडिएटेड वेस्कुलाइटिस हो गया। तो इस CBPP में ये भी हो ये सब हो सकता है। ठीक है, टॉक्सिन प्रोड्यूस हो सकते हैं, TNF अल्फा की अनरेगुलेट प्रोडक्शन होती है, फिर सिलरी डिसफंक्शन हो सकता है, इम्यूनो सप्रेशन हो सकती है, इम्यून मीडिएटेड वेस्कुलाइटिस हो सकता है। क्रॉसली हमें वहाँ पे क्या मिलेगा? क्रॉसली हमें जो होता है वो वहाँ पे फिब्रिनस ब्रोंकोनिमोनिया मिलेगा। ठीक है, फिब्रिनस ब्रोंकोनिमोनिया हमने देखे थे एक सपरेटिव था जिसके अंदर जो होता है वो एक्सुडेट जो होता है वो मेनली न्यूट्रोफिलिक होता है, और दूसरा फिब्रिनस ब्रोंकोनिमोनिया जिसके अंदर मेनली फिब्रिन होती है एक्सुडेट के अंदर। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पे लंग्स के जो लोब्यूल्स हैं उनकी मार्बलिंग हो जाएगी। लंग्स की लोब्यूल्स की जब मार्बलिंग होती है वो क्यों होती है कि वहाँ पे डिफरेंट कलर्स के एरियाज़ होते हैं, डार्क रेड और पिंक, पेल पिंक, वो डिफरेंट यानी डिजीज और हेल्दी लंग टिश्यू जब एक साथ वहाँ पे प्रेजेंट होता है तो वहाँ पे मार्बलिंग होती है, यानी डिफरेंट कलर्स जब शो हो रहे होते हैं। ठीक है, इसके अलावा वहाँ पे जो नेक्रोटिक लंग है जिसकी नेक्रोसिस हो चुकी है वो वहाँ पे इनकैप्सुलेटेड होता है कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, वहाँ पे उसकी क्या होती है, इनकैप्सुलेटेड हो जाती है कनेक्टिव टिश्यू से। ठीक है, तो ये जो होता है वो बिल्कुल ग्रॉसली जो होता है वो निमोनिक पास्टरोलोसिस की तरह नज़र आ रहा होता है हमें। ठीक है, कॉन्टेजियस पॉइंट प्लूरोनिमोनिया के केस में भी लंग। इसके अलावा माइक्रोस्कोप में जब हम देखते हैं तो वेस्कुलाइटिस और थ्रोम्बोसिस हो जाती है पल्मोनरी आर्टरीज और कैपिलरीज की। पल्मोनरी आर्टरीज और कैपिलरीज के अंदर क्या होता है, वेस्कुलाइटिस और थ्रोम्बोसिस जो होती है वो मोर प्रोनाउंस्ड होती है। ठीक है, पल्मोनरी आर्टरीज की और कैपिलरीज की। इसके अंदर CBPP के अंदर मेनली जो है ना वो पल्मोनरी वेसल्स की जो होती है वो थ्रोम्बोसिस और वेस्कुलाइटिस ही है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या माइक्रोस्कोप में हमें क्या मिलेगा, वेस्कुलाइटिस और थ्रोम्बोसिस ही मिलेगी पल्मोनरी आर्टरीज और कैपिलरीज की। फिर ऐसा ऐसा वहाँ पर क्या होता है कि फिब्रस कैप्स्यूल जो होता है वो ब्रेक कर जाता है। जब फिब्रस कैप्सूल ब्रेक कर जाता है तो माइकोप्लाज्मा जो है वो एयरवेज में चला जाता है। माइकोप्लाज्मा जब एयरवेज में चला जाएगा तो ये इन्फेक्शन जो है वो आगे यानी माइकोप्लाज्मा माइकॉइड सब स्पीशी माइकॉइड जो होता है वो आगे दूसरे एनिमल्स तक भी इसका इन्फेक्शन जो होगा वो स्प्रेड कर जाएगा। ठीक है,